फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है मेरे इस वीडियो के खत्म होने तक YouTube पे 600 हावर से भी अधिक घंटों की वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है जापान के होटल और हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स में अक्सर फोर्थ फ्लोर होते ही नहीं, क्योंकि जापान में फोर्थ नंबर का जो प्रोनाउंसिएशन है सेम डेथ वर्ड के जैसे ही आता है, जिसके वजह से जापानी चार नंबर को मनहूस मानते हैं और इसका इस्तेमाल करने से बचते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है घोड़ा अपनी एक आंख से आगे की तरफ देख सकता है और दूसरी आंख से पीछे की तरफ। फैक्ट नंबर फोर, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि अगर हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को कंबाइन कर दिया जाए तब भी जुपिटर उससे बड़ा ही होगा। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है हमारे शरीर में हमारी जुबान एक मात्र ऐसी मसल है जो कि बस एक एंड से जुड़ी होती है, बाकी सब मसल दोनों साइड से जुड़ी होती हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनाइटेड स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है तो शायद आपका जवाब हो इंग्लिश, जो कि बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं। फैक्ट नंबर सेवन, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कैलिफोर्निया के व्हाइट माउंटेन में मौजूद है। इसका नाम ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ट्री है, जो कि 5000 से भी अधिक साल पुराना है। फैक्ट नंबर एट, गधे की आंख उसके सर पे कुछ इस तरह फिट होती है कि वो अपने चारों पैरों को हर वक्त देख सकता है। फैक्ट नंबर नाइन, अगर कंगारू की पूंछ ऊपर उठा दी जाए तो कंगारू उछल नहीं सकता, क्योंकि उछलने के लिए कंगारू अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ही ताकतवर होती है। अगर कंगारू अपनी पूंछ से किसी इंसान को मार दे तो वो इंसान गंभीर रूप से घायल हो सकता है। फैक्ट नंबर टेन, जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, बंदर के हाथ में शेर का बच्चा है और कितना प्यारा लग रहा है। आप सोच रहे होंगे शायद बंदर को भी शेर का बच्चा अच्छा लगा होगा, इसीलिए उसने शेर के बच्चे को उठा लिया होगा, लेकिन इसके पीछे का कारण जान के आप यकीनन दंग रह जाएंगे। शेर जंगलों में अक्सर इन बंदरों का शिकार करके अपना भोजन बना लेता है, इसी समस्या से निजात पाने के लिए बंदर शेर के बच्चे को चुरा के मार देते हैं, जिससे ना बच्चा रहेगा ना शेर बनेगा ना उनका शिकार करेगा। कुछ उसी तरह हो गया, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी।